हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली के दाने की रेवड़ी, जो खाने में सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए मूंगफली के दाने की रेवड़ी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मूंगफली के दाने की रेवड़ी को आप अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दाने की रेवड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले अच्छे वाले दाने लेंगे। दाने में यदि कोई सा ख़राब दाना है तो हम उसको अलग निकाल देंगे। अब हम इन दानों को बहुत ही मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे। दाने हमारे जलने नहीं चाहिए। जितनी मीडियम आंच पर हम दानों को रोस्ट करेंगे, उससे रेवड़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। जैसे ही दाने अच्छे से रोस्ट होने लगते हैं, दाने हल्के हल्के चटकने लगते हैं, तब समझ जाइए कि दाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। जैसे ही दाने रोस्ट होते हैं, हमने इनके छिलकों को अलग किया है। आप देख सकते हैं हमारा एक भी दाना नहीं चला है। इस तरह से ही आप दानों को रोस्ट करें। अब हम एक कटोरी शक्कर लेंगे। जितने हमारे दाने हैं उससे आधी हमने शक्कर ली है। अब हम शक्कर को कढ़ाई में डाल देंगे। इसी के साथ हम आधी कटोरी पानी डाल देंगे। गैस को ऑन करने के बाद इस तरह से हम शक्कर और पानी को मिक्स कर देंगे। जैसे ही शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट होती है, इसमें हम दो तार की चाशनी लेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही चाशनी बनके कढ़ाई के आसपास के नोर पर हल्की हल्की जमने लगती है, तो उस समय हम समझ जाएंगे कि हमारी चाशनी बनके परफेक्ट तैयार है। चाशनी हमारी बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद इस तरह से दो से तीन बार हम अच्छे से चला देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद भी इस तरह से आप चाशनी को चेक कर सकते हैं। एक चम्मच में आप जैसे ही चाशनी को लेते हैं तो वो थोड़ी सी देर से टपकती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी बनके तैयार है। हमने गैस को ऑन करने के बाद ये सारे दानों को इस तरह से हम चाशनी में डाल देंगे। अच्छे से दानों में चाशनी को मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरह से हम गर्मा गर्म चाशनी में दानों को डालते हैं, तो उससे दाने बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाते हैं और दाने क्रिस्पी हो जाते हैं। अब हम दानों को इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे दानों के ऊपर चाशनी बहुत ही अच्छे से चढ़ जाएगी। अब ये दाने सारे चिपक गए हैं। जैसे ही चाशनी ठंडी होने लगती है, उस समय ये दाने सभी अलग हो जाएंगे। आप इनको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे दाने ठंडे हो रहे हैं, इनमें चाशनी अच्छे से कोट हो चुकी है और सभी दाने अलग होने लगे हैं। ये लीजिए, हमारी मूंगफली के मीठे दाने बनके तैयार है। इस तरह के दानों को आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये दाने बनके तैयार हो जाते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगे। इस तरह से आप दाने की रेवड़ी बनाइए और हमें कमेंट्स करना ना भूले। आपके मूंगफली के दाने कैसे बने हैं? हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।